हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीबू। गेम वर्ल्ड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें अभी नया स्नैपशॉट आ चुका है माइनक्राफ्ट का, जिसको हम देखेंगे। तो इस स्नैपशॉट का नाम है 21W10A और इसके जस्ट पहले जो अपडेट आया था वो था 21W8B था, लेकिन 9 आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इस बीच में कोई अपडेट नहीं आया। वैसे तो माइनक्राफ्ट हर वीक में एक अपडेट लाता है, लेकिन पिछले वीक कोई अपडेट नहीं आया था। तो अभी हम मेन फीचर्स देख लेते हैं इस अपडेट में क्या क्या चीज़ है। सबसे मेन चीज़ जो इस अपडेट में इंट्रोड्यूस हुई है वो है लश केव्स, जो फिलहाल तो नेचुरली स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन आपको कस्टम वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा तभी आप उसको खेल सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें अपडेट हुई है वो है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी अगर आप ओल्ड पीसी में खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट तो हो सकता है कि आपका माइनक्राफ्ट नहीं चलेगा। तो मोजैंग वालों ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीसी की उसको बढ़ा दी है। मिनिमम i3 प्रोसेसर होना चाहिए आपके पास में, 4GB रैम होना चाहिए तभी आपके सिस्टम में चलेगा। तो जैसा आपने वो ट्रेलर में देखा होगा क्लिप्स एंड केव्स अपडेट में जो सितंबर में लॉन्च हुआ था, उस ट्रेलर में लश केव्स आपने देखा होगा, सेम वही लॉन्च हुआ है और वही इंट्रोड्यूस हुआ है इस अपडेट में। अभी पहले मैं आपको मेन चीज़ें इसकी बता देता हूँ, फिर हम एक्सप्लोर करेंगे उन लश केव्स को। एक और मेन चीज़ जो आप इसमें देख सकते हैं, जो डीप स्लेट वर्जन था कॉपर का और साथ में एमराल्ड और साथ में कोल का, वो अब नेचुरली जनरेट नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आप उसे इन्वेंट्री में यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव मोड में। उसके अलावा फिर से ओर के जो टेक्सचर्स हैं उसमें थोड़ा सा फेर बदल किया गया है। अब आप कॉबल्ड डीप स्लेट को स्मेल्ट करके वापस डीप स्लेट में बदल सकते हैं। डीप स्लेट के कुछ क्रैक्ड वर्जन भी आ चुके हैं, जो एक दो ब्लॉक है जो क्रैक्ड वाले हैं। उसके अलावा और जनरेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। अब एमराल्ड आपको बहुत ही आसानी से माउंटेन बायोम में ऊपर तक मिल जाएंगे। इस मैप के हिसाब से जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपको एमराल्ड मिलने की। और उसके अलावा कुछ माइनर बग्स फिक्स किए गए हैं। तो ये तो थी मेन की पॉइंट्स इस अपडेट की। चलिए अब लश केव्स की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये नॉर्मली जनरेट नहीं होते, आपको एक कस्टम वर्ल्ड बनाना पड़ेगा जिसमें इस बायोम को आपको चुनना पड़ेगा तभी ये आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल वर्ल्ड खेलें और उसमें इसको ढूंढने की कोशिश करें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने ये कस्टम वर्ल्ड बनाया है जिसमें लश केव्स वाले बायोम ही है केवल। अब लश केव्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, काफ़ी अंदर भी पाए जाते हैं। तो उनको ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ऐसे ओक ट्री को ढूंढना जिसमें आपको ऐसे फ्लावर दिखेंगे और अलग टाइप के पत्ते दिखेंगे। ये पत्ते जो हैं एकदम अलग आवाज़ करके टूटते हैं। तो करना आपको ये होगा, इस पेड़ के नीचे आपको नीचे डिग करना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा जब तक आपको लश केव्स नहीं मिल जाते। तो एक दो लेयर हटाने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मिट्टी अलग टाइप की चेंज हो चुकी है। आपको ये रूटेड डर्ट मिलने लगेंगे और काफ़ी नीचे कभी कभी जाने तक, देखिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कई बार ये बहुत नीचे होते हैं तो आपको डिग डाउन करते रहना पड़ेगा जब तक कि आपको लश केव्स नहीं मिल जाते। और जैसे ही वो आपको मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि लश केव्स आ चुके हैं, जैसे कि इस केस में बहुत नीचे था ये। अब नॉर्मल केस में आपको ऐसा ही दिखाई देगा, जो ग्लो बैरीज हैं वो सिर्फ चमकती हुई दिखाई देगी, बाकी जगह अंधेरा रहेगा, जो कि नॉर्मली अभी नए अपडेट में जो केव्स आ रहे हैं बड़े बड़े केव्स ऐसे ही दिखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम नाइट विजन पोशन ले लेते हैं, उसके बाद हमको क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ अलग से दिखाई देगी। अब ऐसे केव्स को आपको एक्सप्लोर करने के लिए नाइट विजन पोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है इस अपडेट के बाद में, वरना आपको ढेर सारी टॉर्चेस अपने साथ ले जानी पड़ेगी। तो जैसे ही हम देखेंगे, देखिए अब पूरा चीज क्लिस्टर क्लियर आपको दिख रहा है। तो इसमें कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतना नीचे जमीन के हरी भरी घास दिखाई देगी और ग्रीनरी दिखाई देगी, मतलब अलग ही वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। अंदर जमीन के अंदर इतना नीचे पूरी ग्रीनरी, ये एजिया ट्रीज हैं और ये नीचे घास वगैरह है। उसके अलावा ये ड्रिप लीव्स आपको दिखाई देगी जो कि पानी में है, अभी छोटे वाले वर्जन में है, इसके बड़े वर्जन भी आपको आगे दिखाई देंगे। खूब सारे डीप स्लेट आपको दिखाई देंगे, बल्कि इनफैक्ट डीप स्लेट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। उसके अलावा आपको खूब सारे क्ले दिखाई देंगे यहाँ पर, ये ड्रिप लीव्स का बड़ा रूप है यहाँ पर। इसके अलावा आपको स्पोर ब्लॉसम दिखेंगे, जो छत में उल्टे हुए फूल दिखते हैं उसमें से जो पार्टिकल्स झड़ते रहते हैं। और उसके अलावा आपको ग्लो बेरीज दिखेंगी, बेरीज की पूरी जो लड़ी है वो नीचे छत से लटकी हुई दिखाई देगी।
इसमें एक चीज का खतरा बढ़ चुका है, बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ चुका है कि इस बीच में अगर क्रीपर हुआ तो आपको जरा भी पता नहीं चलेगा कि वहां पर क्रीपर है। तो यहां पर आप डायमंड देख सकते हैं, ये कितनी आसानी से आपको सरफेस में ही डायमंड मिल जाता है। और इस अपडेट में डायमंड का भी टेक्सचर थोड़ा वो चेंज किया गया है, नॉट डायमंड, डायमंड ओर का थोड़ा चेंज किया गया है। तो अब ये जो कस्टम वर्ल्ड है ये काफी बड़ा है, इसलिए आपको ये केव्स जो बहुत ही बड़े दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि नॉर्मली जब जनरेट होना चालू होंगे नेचुरली तब वो छोटे छोटे केव्स में ही दिखाई देंगे, लेकिन इतने बड़े तादाद में मेरे ख्याल से नहीं दिखेंगे आगे। मैंने केवल एक ही बायोम के साथ इनको जनरेट किया है इसलिए लगातार आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए डीप स्लिट कितना बेहतरीन लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा हाईलाइट कर रहा है बाकी चीज़ों को। मेरे ख्याल से ये माइनक्राफ्ट में बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। ऐसे ही आप देखेंगे इस डीप स्लेट के ब्लॉक को तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब केव में आने के बाद समझ में आ रहा है कि डीप स्लेट कितना अच्छा ब्लॉक है। इन लश केव्स के साथ वो परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है। मुझे तो इन लश केव्स को एक्सप्लोर करने में ही काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। मतलब जो बोरिंग से अपने केव्स थे उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और यहाँ पर आप रेड स्टोन के जो ओर है उसको भी देख सकते हैं। ये उसका डीप स्लेट वाला वर्जन था, और यहाँ एक और रेड स्टोन का जो हमको दिख रहा है ओर, देखिए थोड़ा वो टेक्सचर में डिफरेंस उसमें दिखाई देगा, पर जो टेक्सचर में मेन डिफरेंस है वो चेंज किया गया है आयरन में। ये देखिए आयरन पहले सिंपल अजीब टाइप सा दिखता था, उसको वापस जो पुराना टेक्सचर है उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल करके उसे रख दिया गया है, तो अभी ठीक लग रहा है आयरन। पहले आयरन में धारिया टाइप की थी, लंबे लंबे स्ट्रिप थे, वो अच्छा नहीं लगता था, अभी वापस उसे चेंज कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको लैपिस दिख रहा है जो डीप स्लेट वाला वर्जन वाला है, तो यहाँ आपको बाकी सारे ओर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इन केस में खतरा भी होगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा रहेगा और खूब सारे मॉब स्पॉन होने के चांसेस रहेंगे। अच्छी बात ये रहेगी कि इन केस में आपको खाने की कमी नहीं होगी क्योंकि ग्लो बेरीज को आप खा भी सकते हैं, जो कि यहाँ आपको हर जगह दिखाई ही दे रही है। तो ये ट्रीज़ जो है एजिया ट्रीज़ को वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं घर में डेकोरेशन के लिए, बहुत ही अच्छा लगेंगे ये। और साथ में आपको स्पोर ब्लॉसम ऊपर दिख ही रहा होगा, तो ऊपर चल के देख लेते हैं। तो ये जो फूल है उल्टा लटका रहता है छत से और इसमें से पार्टिकल झड़ते रहते हैं। उसके अलावा आपको रूट्स दिखेंगे जो कि छत से उल्टे हुए आपको दिखेंगे नीचे लटकते हुए। माइनक्राफ्ट वालों का बोलना ये है कि जो ऊपर जो पेड़ था जो आपको डिनोट करता है कि यहीं पर नीचे में बायोम है, लश केव्स है, उनके जड़ जो हैं, उनके जो रूट्स हैं वो नीचे तक जाते हैं और मिट्टी से गुजरते हुए उसको रूटेड डर्ट में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है और देख ली है जो लश केव्स में होते हैं और दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये गोल्ड का ओर आपको दिख रहा होगा, और ऐसे टाइप के आपको जगह दिख सकते हैं जो दूर से एमराल्ड दिखते हैं लेकिन वो रहते नहीं हैं। वंस अगेन मैं बता दूं कि इतना ब्राइट ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने नाइट विजन का पोर्शन लिया हुआ है, अदरवाइज़ आपको पूरा अंधेरा दिखाई देगा इसमें। और यहाँ पर आपको ऊपर में बहुत सारे डायमंड भी मिल जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल ये बहुत अच्छा एडिशन है, काफ़ी अच्छा चेंज किया गया है जो केव्स में सिस्टम है उसको, ताकि केव्स जो बोरिंग केव्स थे उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो सके। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले अपडेट के बाद में जो वर्ल्ड जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, यानी कि ऊपर भी 64 ब्लॉक्स ऊंचा और कर दिया गया है जो वर्ल्ड लिमिट थी उसकी, और नीचे भी काफ़ी डीप कर दिया गया है। तो वर्ल्ड काफ़ी ह्यूज हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं कि क्या बताऊँ मैं। डेकोरेशन के लिए कई सारे नए सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं जिनको आप घर में ले जाके अपना डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए डायमंड का ये जो डीप स्लेट वाला वर्जन है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके टेक्सचर में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जो आपको साफ दिखाई देंगे। उसके अलावा आपने आयरन देखा था, ये गोल्ड का ओर है, इसमें भी हल्का सा चेंज किया गया है। माइनक्राफ्ट वाले लगातार टेक्सचर में बदलाव कर रहे हैं, साथ ही साथ और जनरेशन में भी बदलाव कर रहे हैं। का ये फाइनल नहीं है, ये जब तक केव क्लिफ्स एंड केव अपडेट फुली एंड फाइनल नहीं आ जाता तब तक एंड तक इसमें बदलाव होते रहेंगे। तो जितने भी स्नैपशॉट में फीचर्स आपको दिखाई देते हैं वो कुछ ग्लिची होते हैं जिसको टेस्ट करने के लिए माइनक्राफ्ट वाले इसमें डालते हैं। तो देखिए मैं आपको बताया था कि अगर ऐसा क्रीपर आपको दिख जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा भाई। अभी आप जबकि मैं जो नाइट विजन का पोर्शन है वो पिया हुआ हूँ तब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो सोचिए जब इसमें अंधेरा रहेगा तब कैसे दिखाई देगा।
तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। क्रीपर यहाँ पर छुप जाते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, कंसील हो जाते हैं। उसके अलावा ये ग्लो बेरी है जो आपने पहले भी देखी थी, ग्लो बेरी से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। और यहाँ ये एकमात्र लाइट सोर्स है जिससे आपको यहाँ रोशनी थोड़ी बहुत दिखाई देगी। तो आप देख ही सकते हैं कि वो क्रीपर दिखाई नहीं दे रहा भाई, दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से इसमें कैमोफ्लाज्ड हो चुका है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये था भाई नया स्नैपशॉट माइनक्राफ्ट का, जिसका नाम था 21W10A। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।